मेरे घर में पगड़ बांध के आता है। चावंद्रा। हाँ भाई। गधरे। हराम। ए गाली मत दिया कर यार। क्यों? तेरे मुझे अच्छी नहीं लगती। किस करता है तो बास आती है क्या? तो तू ये सिगरेट छोड़ दे। अकेडमी पास कर ले, रेड हैंडेड पकड़ ले, अंदर कर दे, छूट जाएगी। अच्छा एक बात बता, ये सिगरेट पहले आई या करप्शन? सिगरेट पहले आई। कैसे? सुन, सिगरेट में नशा है, नशे में पावर है, पावर में करप्शन है। कैसी गई? क्या बात है। यहाँ से आए, यहाँ से आप एंटर करी, ये लॉबी, साथ में कॉन्फ्रेंस रूम, ये तुम्हारा रेस्ट रूम। हाँ ओके, कॉन्फ्रेंस रूम, ये तुम्हारा रेस्ट रूम, माइक्स, स्पीकर्स, एवरीथिंग, जिसे जो चाहिए बस वहीं बैठा बैठा बटन दबाए और बोले। वैसे तुम्हारे सामने बोल कौन सकता है? कौन बोल रहा है माँ के सामने? तुम्हारा चश्मा मम्मी? अरे माँ स्टाइलिश हो गई है, बाहर जाती है तो कॉन्टैक्ट्स पहनती है। जस्ट लीव इट। छोड़ आई उन्हें। ट्रेन लेट थी लेकिन उनकी स्पेशल बोगी लग गई थी, आराम से पहुंच जाएंगे अपने साइड तक। इस बार अच्छा हुआ महीना भर रह के गए नहीं बापू। और आपने एकेडमी के 20 दिन मिस किए। कवर अप दूध, सुबह छोड़ गई थी। पीजिए दूध, पीजिए। पी लूंगी ना मैं, जाना। क्या कह रहे थे माँ को? मामा के लिए कॉन्फ्रेंस रूम तैयार किया है। मामा को कभी कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते देखा है? बिल्कुल महारानी लगती है। वो है ही महारानी, हुकूमत करने वाले वही तो होते हैं, महाराजा या महारानी। What do you mean? माँ, वो भाव कहता है ना कि टोपियां और ताज वही है, बस सर बदल गए। राजे और महाराजे तो हमेशा से थे इंडिया में। स्टाइल अभी भी वही है, पहले स्टेट्स थी अब स्टेट्स है, पहले दाद थी अब जायदाद है। बहुत बदतमीज होती जा रही हो तुम। तुम क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? तुम्हारा बन रहा ना 5-स्टार होटल, खुश रहो तुम, खुश रहो यार। जब से ये भाव का थिएटर देखना तुमने शुरू किया है ना, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही मीठी। भाव। क्या? भाव, भाव तुम शिवड़ी में रहते हो? नहीं, रहता था जब मैं छोटा था। और तू बहुत ही छोटी थी। मेरा बाप उसी स्कूल में चपरासी था जहां बाई पढ़ाया करती थी। अब कहाँ रहते हो? भामनी, वहां से ज्यादा दूर नहीं, दलितों की बस्ती है। भाव, मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हो? मैं गा लेती हूँ, थोड़ा नाच भी लेती हूँ। पागल हो, बाई मारेगी तुझे भी और मुझे भी। तू पुलिस में ही अच्छी है। आपको कैसे मालूम है पुलिस में हूँ? इतनी सी तो दुनिया, मिलो तो सारी उंगलियां छू जाती हैं। चलता हूँ, देखो कभी छुट्टी मनानी हो तो गांव चले आना। चांग भला। कवि है ना, टोली लेके घूमता रहता है। बट आई टेल यू, आदि बहुत खरा आदमी है भाऊ, स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट। ऐसे लोग अगर अपनी गवर्नमेंट में होते ना तो हाँ, माँ को हटवा के भाऊ को मिनिस्टर बनवा दो। आई नो। खा ना मधु। छोटे साहब बुला रहे साहब। आ रहा, जाओ। एंड यू नो आदि, ही इज द ओनली वन जिसे मां डरती है, क्योंकि वो खटाक से कह देता है उसे जो कहना होता है। खटाक नहीं, फटाक। फटाक या खटाक जो भी है, फटाक पन्ना। और क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है उसका? पता है माँ से कह रहा था कि आपकी सरकार अगर खाने को नहीं दे सकती तो कम से कम क्या फायदा? सेंस ऑफ ह्यूमर से कोई काम नहीं चलता। बात करने का मुहावरा ही बदल गया, कवि की बातें सिर्फ किताबों तक रह गई हैं। हाँ, बम फटे, गोलियां चले,
दो लोग मुड़कर देखते हैं। साहब बुला रहे हैं। बोलो आ रहा हूँ। हेलो। ये बैग में मेरे दो यूनिफॉर्म और मेरे दो पहनने के लिए कपड़े बस और मेरी कैप। हाँ और बेल्ट मधु। हेलो छोटे साहब। अब क्या है? अर्जेंट में बुला रहे हैं साहब। बोलो आ रहा हूँ। बोलो नहा रहा हूँ। जाओ जाओ यहाँ से। हेलो रोटी छोड़ना मधु प्लीज। पहले मेरी पैकिंग खत्म कर दे प्लीज। मैं खा लूंगी रोटी बाद में। हेलो चलो चलो। भाऊ का घर कौन सा है? भाऊ भाऊ से क्या काम पड़ा? आ नहीं सकती। एक बार बुलाया भी तो था आपने। हाँ बुलाया तो था लेकिन मेरे कहने से ही तू आएगी ये मैं नहीं मानता। क्या हुआ? हवा में उड़ती उड़ती बुरी बुरी खबरें सुन रही थी इसलिए बस देखने चली आई। अरे तेरे भाऊ को कुछ नहीं होगा। अभी कुछ ही दिनों में चीफ मिनिस्टर बन रही है अपनी भाई, फिर फिकर गाएगी। चल मुंह ढक ले गंद उड़ेगी। पर ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी गली की सफाई कर रहा हूँ। तो आप क्यों, कोई और नहीं है? क्योंकि अपनी गली का मैं सबसे अच्छा भंगी हूँ। तो मैं हाथ बटाऊ? नहीं ए फुकने हाथ सर नीट करूंगी। चला ए, चल। शांति ये देखो पुलिस वाले आ गए। पन्ना पन्ना नाम है ना तुम्हारा? मालती बाई जी पुर्गी। हाँ ये मेरी छोटी बहन है। है तो छोटी, जब से मेडिकल ज्वाइन किया बड़ी हो गई, डांटती रहती है। ये तो बहुत गोरी है। हाँ जब मैं पैदा हुआ ना तो कुछ ज्यादा ही भुना हुआ था इसलिए ये तो मैं क्या कच्ची पैदा हुई थी। ए भाऊ बंडी उतारना, मैं नदी पे जा रही हूँ धोने। नहीं बंडी रहने दो। अरे इतनी प्यारी बच्ची घर में आई है, इसका चाय पानी नाश्ता कौन बनाएगा? ए भाऊ तू ही दो भाकड़ी बना देना। लो ये भाऊ हमारा ऐसा ही है, गली में नाच गा लेता है, समझता है बहुत बड़ा काम करता है। वैसे कांदे वाली भाकड़ी बहुत अच्छी बनाता है भाऊ मेरा। हाँ, चल 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 ये मक्खन बहुत हो गया, जा इसे भी ले जा धुलाई सिखा जा। चलेगी? जाना है? चल ना घूम के आएंगे। चलो चल। जा तब तक नाश्ता बना के रखता हूँ। कोपरा मार छीट पे मार। ए गणपति गणपति बाप्पा घे तू उचल चला। शाबाश शाबाश। ए काय ढुंगा नालो ते अड्या। ए फुगने हे गे ये फोगो घेऊन जा। आजा बैठ ना। गप गप। अरे यार चिल्लाने से कुछ नहीं हो सकता, तेरा और मेरा एक ही फ्यूचर है। जा मतलब दोनों की गर्दन जाएगी एक दिन। आपको डर नहीं लगता? किससे? नॉन वेजिटेरियन से? नहीं। फिर पॉलिटिशियन से? अरे उनसे क्या डरना, वो खुद ही इतने इनसिक्योर्ड हैं, यही सब क्या करते हैं। ये देखिए क्या पता है? कबड्डी। हाँ हमारे यहाँ इसे हुतुतु बोलते हैं।
यही सब किया करते हैं पॉलिटिशियंस गद्दी पे बैठकर, उठा पटक, खींचाता नहीं, इसकी टांग खींच, उसका हाथ मरोड़, इसको बिठाओ, उसको उठा। यह हमारा नेशनल गेम होना चाहिए, नहीं? वो तो है। है? कितना सही गेम चुना है हमने। और इन गांववालों की तरह सारा हिंदुस्तान बैठा, उनका हुतुतु देख रहा है। चुपचाप। पिछले 50 सालों में हमारे देश ने सिर्फ मंत्री और मिनिस्टर पैदा किए, एक नेता पैदा नहीं किया। वो कैसे पैदा होते? फेथ, विश्वास, आस्था। यू मस्ट बिलीव इन व्हाट यू डू। जैसे जोशी मास्टर। मैं कल से याद कर रहा था, मैंने पहली बार तुझे कहां देखा? जोशी मास्टर के वहां। तेरा दोस्त भी आया था ना साथ? कहां है वो? क्या नाम है उसका? आदि। हाँ? आदि। आदित्य। अच्छा है ना वो? याद आ गया। बाउरे, बाउरे, लोगरे। आया मैं। इतना लंबा कश लो यार।